जॉन विक 4 देखकर आ रहा हूं मैं इतने रात को, अभी 2 बज रहा है, शूटिंग कर रहा हूं मैं। ट्रस्ट मी, दिस इज डिजास्टर। डिजास्टर लगेगी इसके सामने सारे एक्शन फिल्में। उफ, मैं क्या बोलूं, सेकेंड हाफ में इतना लंबा एक्शन सीक्वेंस मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा, और मैं हर एक्शन सीन को देख के यही बोल रहा हूँ कि अरे भाई, अरे 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 भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, सब बक भूषण के, अब मतलब ये सब मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं सीट से बार बार खड़ा हो जा रहा हूँ। दिस इज हाउ यू आर ट्रीटिंग योर ऑडियंस, इतना बवाल एक्शन सीन भाई, गांड फट जाएगी वो सारे एक्शन सीन्स देख के, गांड फट जाएगी। आप बोलोगे कि भाई ये क्या दिखा रहा है, बंदा हिल डुल रहा है, लेकिन भाई साहब सबके माथे पे तिलक लगा रहा, दाड़ 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 माथा ही फोड़ रहा है। द एक्शन सीक्वेंस ऑफ जॉन विक वॉज रियल रॉ एंड डोप, आई मीन दे मेड सो बिलीवेबल एंड इट वॉज वेरी टफ टू शूट। आप देखोगे ना, आप बोलोगे कि भाई ये हमारी बैठे बैठे इधर गाड़ फाड़ रहे, वो सेकेंड हाफ में वो रोड पे जो गाड़ियां चलती रहती उसके बीच में एक्शन होता रहता है, वो आतंक था आतंक। उसके बाद वो स्टेयरकेस पे दाड़ 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 गिरते आ रहा है, बाद में वापस चढ़ के लड़ते जा रहे, और फिर वो बड़ी सी गन लेके दाड़ 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 मार के बदन से आग निकाल दे रहा भाई, मेरी हवा निकल गई, हवा निकल गई। तो स्टोरी वो सिंपल, जिस कुत्ते की वजह से इतना सारा झमेला होता है वो अभी भी कंटिन्यू रहता है, दुनिया भर के कैरेक्टर्स ऐसे विलन देखते रहते हैं और भाई सब इस पे हमला करते रहते, लेकिन ये बंदा रुकता ही नहीं है। और जब फिल्म के कहानी का मेन बेस ही है एक्शन दिखाना, तो उसमें ये फिल्म जीतता नहीं है, सारे सिनेमा वालों को एक्शन करना सिखाता है। बिकॉज आप देखो, एक एक शॉट्स देखो, यहाँ अंदर एक्शन कर रहा है चार रूम के बीच में, तो ऊपर से कैमरा चल रहे, एंड दैट वॉज क्रेजी। एंड सेकेंड हाफ तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से बाद में ना आवाज ही नहीं निकला। पहले वो रोड साइड वाला सीन देखे तो गांड फट गई, लेकिन उसके बाद में चुप हो गया। मैं बोला यार ये ना रुकने वाला नहीं है और ये ठोकने वाला डबल है, और ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मेरे को जो केन का कैरेक्टर था, कंप्लीट स्टाइलिश, दैट वॉज परफेक्ट, अंधा घोड़ा फौज में दौड़ा, वो भाई खा डाला, मचा डाला, क्या स्टाइल था, क्या उतार था उसका, एंड वो अपने ऐसे रूप में था ना, फिल्म में पावर डाल रहा था। थैंक गॉड मैंने ये फिल्म देखी और कंप्लीट पैसा वसूल। एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो हमारा जॉन विक का कैरेक्टर है कीनू रिव्स करके, भाई ये आदमी मस्का है, मस्का है यार। इतना स्मूथ एक्शन करना और इतना हिलम डुलम में दिखाना कि भाई वो थक भी गया है लेकिन वो तुमको हगा भी देगा। भाई सच्ची बता रहा हूँ, पहले तो मेरे को यही लगा कि सब लोग सोशल मीडिया पे इस फिल्म को लेके बड़ी बड़ी हाक रहे या फेंक रहे, पर आज जब देखा ना यार, एक ही बात बोलूंगा, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन ए रेटेड फिल्म, दिस इज अ सी रेटेड फिल्म, आई मीन कंप्लीटली क्लास रेटेड फिल्म। आप देखो, इट वॉज स्टाइलिश, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इनफैक्ट एंडिंग थोड़ा सा इमोशनल भी कर देगा, क्या पता, मेरे को तो यही लग रहा था कि ये फाइनल चैप्टर है शायद से, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, बट यार दैट वॉज क्रेजी। एंड एक और चीज बोलूंगा, इसकी मेरे को कलर टोन काफी भारी लगे, बीच बीच में एकदम अलग ही रूप ले रहा था, वो मेरे को ढांसो लगा। इनफैक्ट साउंड डिजाइन, एक इंटरवल के पहले जो एक्शन होता रहता है ना, उसमें जो साउंड डिजाइन सेट किया है ना भाई, ओ हो, वो घायल कर दिया। आई मीन यार, वो थिएटर में अलग ही एटमोस्फियर बना दिया था। सो मैं जॉन विक 4 को दूंगा 4 out of 5 stars। बाकी कहानी तो डिसेंट है, बट एक्शन तो भाई दिमाग हिला देगा, देख लेना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।